वंदे वांछित लाभ चंद्र अर्घ कृत शेख राम, जपमाला कमंडलो धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। मन वांछित लाभ के लिए अर्ध चंद्र अपने मस्तक पर धारण किए हुए और जप माला कमंडल अपने हाथ में लिए, हे माँ ब्रह्मचारिणी आपको मेरा सत सत नमन है। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूँ भारत 24 पर शुभ मंगल समाधान में। आज द्वितीय दिवस है और नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के लिए समर्पित है। आज ब्रह्मचारिणी के रूप की, माँ दुर्गा के रूप में ब्रह्मचारिणी का रूप आज पूजन और उनकी आराधना के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से माँ ब्रह्मचारिणी को हाथ में कमंडल लिए हुए और माला, जप माला, देखिए ये दोनों चीजें त्याग समर्पण और एकाग्रता का है। माला आप कैसे जप कर पाएंगे जब मन आपका शांत रहेगा। कमंडल इसलिए है कि आज जो रूप है माँ ब्रह्मचारिणी का, यह आपको क्षमा देने का है। अगर आपसे जाने अनजाने कोई गलती होती है, त्रुटि होती है, तो उसको भी आज माँ ब्रह्मचारिणी आपके लिए वह क्षम्य करते हुए आपको वरदान देती हैं। विशेष रूप से माँ ब्रह्मचारिणी का रूप विद्यार्थी जीवन के लिए, और साथ ही साथ अगर आप विशेष रूप से शोध कार्य में हैं, किसी भी तरह के शोध कार्य में लगे हुए हैं, तो आपके लिए यह दिन वरदान के समान रहने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप आपके लिए तप, संयम और विशेष रूप से सदाचार की प्राप्ति के लिए होता है। आज आपके लिए माँ ब्रह्मचारिणी के रूप का आराधना करना है, क्यों करना है वह भी जान लीजिए। आज अगर आपका मन भटकाव रहता है, देखिए माँ ब्रह्मचारिणी का वह स्वरूप है जो स्वाधिष्ठान चक्र पर विराजमान होती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को मनुष्य के पूरे शरीर के नियंत्रण का स्थान कहा जाता है। 7 बॉडी चक्रों में, शरीर के चक्रों में जो आध्यात्मिक चक्र है हमारे, उसमें स्वाधिष्ठान चक्र का विशेष महत्व है। तो माँ ब्रह्मचारिणी का आज विशेष रूप से आप ध्यान करिए, उनकी प्रार्थना करिए और उनका आशीष लीजिए। और हम इस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आज के ब्रह्मवाक्य की। आज का ब्रह्मवाक्य, नहीं लगता है पढ़ाई में मन हो रहा है मानसिक भटकाव और बच्चा जा रहा है गलत दिशा में, तो आज ब्रह्मचारिणी को करें प्रसन्न, मिलेगा चमत्कारी लाभ। क्या करना है आज के दिन आपको? सबसे पहले पीले फूल और चावल हाथ में लेकर माँ का ध्यान करना है। क्या ध्यान करना है? गौर वर्णा स्वाधिष्ठान स्थित्या द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पलंकार भूषिताम। यह विशेष रूप से माँ के रूप का स्मरण है, धवल वर्ण धारण किए हुए हैं माँ, तो आज आपको उनके रूप का स्मरण करके अब उनको पंचामृत का भोग लगाना है। रुक जाइए, पंचामृत बनेगा कैसे? आपको गाय का कच्चा दूध या कोई भी कच्चा दूध आपको ले लेना है, शहद लेना है, विशेष रूप से दही लेना है, शर्करा लेना है, गंगा जल भी उसमें मिश्रित किया जाता है, और साथ में विशेष रूप से आपको उसमें घी भी मिलाना है। घी 5 तत्व, गंगा जल तो जल हर चीज में मिलेगा आपको, तो उसका गणना यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन आपको देसी घी मिलाकर 5 चीजें मिश्रित करके आपको पंचामृत का निर्माण करना है। और अब किस मंत्र से उनको भोग लगाना है यह भी जान लीजिए। ओम एम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिण्य नमः। इस मंत्र का आपको 21 बार पाठ करना है। 21 बार पाठ करके हो सके तो संख्या को आप बढ़ा लें, अगर समय हो आपके पास तो आप कुछ देर ध्यानचित्त होकर वहां पर जाप करिए। देखिए किसी भी पूजा आराधना के लिए कहा जाता है कि अगर संख्या बंधन ना देकर समर्पण भाव दिया जाए तो वह ज्यादा अच्छा है, लेकिन 21 की संख्या हमने इसलिए आपको दे दिया है कि कम से कम इतना समय तो आप दे ही मां के लिए।
तो आज ब्रह्मचारिणी का दिन है और आज हम लेकर आए हैं कर्म फल से लेकर ब्रह्म सूत्र तक आप सभी के लिए कैसे करें माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न और पाए विशेष कृपा। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के कर्म फल की। आज चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और चंद्रबल मेष राशि, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि पर रहेगा और इसी पर आधारित होगा आज का हमारा राशियों का कर्मफल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज मंगल कार्यक्रम में समय बीतेगा, घर परिवार में कुछ शुभ मंगल कार्यक्रमों का आयोजन होगा या उसकी तैयारियां चलेंगी, उसके संबंधित आज व्यस्तता रहेगी। संबंधों में आज तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। आज आपके व्यक्तिगत संबंधों में, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे माता पिता से संबंध हो या भाई बहनों से संबंध हो, चाहे मित्रवत संबंध हो, वहां पर कुछ ना कुछ तनाव जरूर मिलेगा। विद्यार्थी गलत संगत में आज जा सकते हैं, विद्यार्थियों का झुकाव गलत दिशा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज क्या है आपके लिए समाधान? आज लाल चुनरी को माँ को चढ़ाना है, लाल चुनरी माँ को अर्पित करना है, यह आपके जीवन में शुभता देगा। अब बात करते हैं वृष राशि के कर्मफल की। आज गलत आकर्षण के शिकार आप होंगे। अगर आप बहुत दिनों से किसी से आकर्षित हो रहे थे या मन का भटकाव हो रहा था तो आज गलत दिशा में आकर्षण हो सकता है, सावधान रहना है आपको। काम का दबाव आज बढ़ेगा, ऑफिस, कार्यालय, व्यापार स्थल, कहीं पर अगर बहुत दिनों से आप बहुत शांत थे और सुकून से जीवन व्यतीत कर रहे थे तो आज कार्य का दबाव आपके ऊपर बढ़ेगा और मानसिक रूप से भी यह आपके ऊपर देखने को मिलेगा। आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, कहीं शुभ तो कहीं तनाव, यह आपको पूरे दिन देखने को मिलेगा। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज श्वेत पुष्प की माला माँ को श्रृंगार करना है, श्वेत पुष्प की माला लेनी है और उससे माँ ब्रह्मचारिणी का श्रृंगार करना है, यह आपके लिए शुभ होगा। बढ़ते हैं मिथुन राशि के कर्म फल की बात करते हैं। कार्य में नई जिम्मेदारी आज मिलेगी। अगर आप कहीं नए स्थान पर गए हुए हैं नौकरी व्यापार के लिए तो वहां जिम्मेदारी आज कुछ नई मिल सकती है और साथ ही साथ नई योजनाओं का आरंभ आज आप करेंगे। बहुत दिनों से अगर व्यापार या नई नौकरी में कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे थे, कुछ नई संरचना बना रहे थे आप, तो उसका शुभारंभ आज आप करते हुए दिखाई देंगे। संतान सुख की आज प्राप्ति पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। घर परिवार में आज नन्हा मेहमान आएगा। आज क्या है आपके लिए समाधान? दूध और मिश्री मिलाकर आज माँ को अभिषेक करें, यह आपके जीवन में शुभता देगा। कर्क राशि, कर्क राशि का कर्मफल क्या कहता है आज? वाहन के व्यापार में आज लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से अगर वाहन के खरीद फरोख्त से संबंधित व्यापार है आपका तो वहां पर आज कोई बड़ा लाभ आपका इंतजार करता हुआ दिख रहा है। मानसिक तनाव आज बढ़ेगा। घर परिवार हो या कार्यस्थल हो, कहीं से आपको कुछ न कुछ दबाव ऐसा मिलेगा या कुछ कार्य ऐसे होंगे जिससे मानसिक रूप से उलझन आपकी आज बढ़ेगी। नौकरी में दबाव आज आपको विचलित कर देगा। बहुत दिनों से अगर आप बेवजह की परेशानियां अपने कार्यस्थल पर झेल रहे थे तो आज विचलित होकर कुछ फैसला भी ले सकते हैं आप। आज का दिन आपको थोड़ा सा संयम बरतने का रहेगा। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज पान के पत्ते में लौंग मिलाकर रखकर माँ को अर्पित करना है, यह आपके लिए शुभ होगा। बात करते हैं अब सिंह राशि के कर्मफल की। जीवन साथी के स्वास्थ्य से आज आप परेशान होंगे, साथ ही साथ व्यापार में बहुत दिनों बाद आज आपको संतुष्टि मिलेगी। अगर लाभ नहीं मिल पा रहा था या व्यापार में कुछ न कुछ तनाव चल रहा था तो आज आपके लिए संतुष्टिदायक दिन रहने वाला है।
वैवाहिक जीवन में आज सुखद अनुभव होगा। कैसे होगा? बहुत दिनों से अगर मानसिक दूरियां बन गई थी तो आज आप एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे से भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज माँ को हल्दी अर्पित करना है। हल्दी आज माँ को अर्पित करिएगा, आपके जीवन में शुभता मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि के कर्मफल की। आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको कामयाबी मिल रही है। अगर कहीं आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दिया हुआ था तो वहां पर आपके लिए शुभ दिन होने वाला है। लेकिन रुकिए, आज आप घरेलू हिंसा के भी शिकार हो सकते हैं। अगर घर परिवार में बहुत दिनों से या किसी संबंध में कुछ ना कुछ तनाव चल रहा था तो वहाँ आपके लिए परेशानी आ सकती है। घरेलू हिंसा का आज पूर्ण योग दिखाई दे रहा है। आज घर परिवार में या कार्यस्थल पर वरिष्ठ जनों से भी वाद विवाद की संभावना पूर्ण रूप से बढ़ रही है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज माँ को अनार का भोग लगाना है। अनार का फल माँ को भोग के रूप में समर्पित करना है, आपके लिए शुभ होगा। समय हो गया है आज के शुभ संयोग का। आज 27 सितंबर 2022 दिन मंगलवार, मास अश्विन शुक्ल पक्ष की आज द्वितीय तिथि है। नक्षत्र आज हस्त रहने वाला है। सुबह 6:17 तक इसके बाद चित्रा नक्षत्र का आरंभ हो जाएगा। राहुकाल आज दोपहर 3:12 से लेकर 4:42 तक रहेगा। इस बीच कोई भी शुभारंभ, कोई भी शुभ कार्य, लंबी यात्रा का आरंभ आप मत करिएगा, आपके लिए यह हानिकारक होगा। आज दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ रहेगा, आपके लिए आज उत्तर दिशा की यात्रा जो है वह वर्जित रहने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अन्य राशियों के कर्मफल के बारे में। लेकिन अभी बहुत कुछ है शेष, जाइएगा नहीं अपनी राशि देखकर, क्योंकि आज किचन कवच से लेकर ब्रह्म सूत्र तक हर जगह आपको माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने का एक चमत्कारी वरदान आपका इंतजार कर रहा है। और साथ ही साथ अगर आज आपका शुभ जन्मदिन है तो आपको जन्मदिन विशेष अंक देखना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। और विशेष रूप से वह लोग जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों से सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको पता है आप उस योग्य हैं, लेकिन सफलता करीब आकर आपका हाथ छोड़ दे रही है, तो आप ब्रह्म सूत्र में ब्रह्मचारिणी का वरदान लेना मत भूलिएगा। विलंब ना करते हुए बात करते हैं शेष राशियों के कर्मफल के बारे में। अब बात करते हैं तुला राशि के कर्मफल की। आज पारिवारिक कार्य में धन खर्च होगा। परिवार में किसी कार्य का आयोजन होगा जहां पर आप आर्थिक रूप से पूर्ण रूप सहयोग देंगे और आर्थिक खर्च आज बढ़ेगा। व्यावसायिक यात्रा का पूर्ण योग आज आपका इंतजार कर रहा है। अगर कार्य क्षेत्र से संबंधित या फिर व्यापार से संबंधित कोई यात्रा बहुत दिनों से आप टाल रहे थे तो आपके लिए आज वह शुभ दिन आ गया है। आज किसी करीबी से आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आर्थिक रूप से आप परेशान हो गए हैं और कुछ न कुछ सहायता की आशा आपके मन में है तो आज कोई करीबी आपकी मदद के लिए आगे बढ़ सकता है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज श्वेत वस्त्र में हल्दी लगाकर चढ़ाएं। क्यों लगाना है हल्दी यह भी जान लीजिए। श्वेत वस्त्र पूर्ण रूप से श्वेत वस्त्र नहीं अर्पित किया जाता है तो वहां पर शुभता के लिए माँ के लिए हल्दी का हल्का सा स्पर्श उस वस्त्र में करा दें और माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित करें, यह आपके लिए शुभता देगा। बात करते हैं अब वृश्चिक राशि के कर्मफल की। आज कोर्ट केस में विजय आपकी होगी। बहुत दिनों से अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर आप परेशान हो गए थे, मानसिक प्रताड़ना का शिकार बन रहे थे तो आज विजयश्री आपके गले में हार डाल देंगी। आज जीवन साथी से वाद विवाद होने की संभावना
पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। तो अगर आज आपके लिए आपका पार्टनर कुछ बोलता भी है तो उसको शांत होकर एकाग्र मन से सुनकर टाल दीजिए। आज वाद विवाद को टालना है। नौकरी में स्थानांतरण होगा। बहुत दिनों से अगर स्थान परिवर्तन का विचार आपके मन में चल रहा था, नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे थे, तो आज वह स्थानांतरण का समय आ गया है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज देवी कवच का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में कवच मौजूद है, वहां से आप कवच का पाठ करके घर से निकलें, आपके लिए शुभ होगा। बात करते हैं धनु राशि के कर्मफल की। आज खाने से संबंधित व्यापार अगर आपका है तो आपको लाभ पूर्ण रूप से होगा। आज किसी करीबी से आर्थिक हानि का योग बन रहा है। अगर कोई मित्र, कोई करीबी, परिवार का सदस्य, नात रिश्तेदार आपके व्यापार या कार्यस्थल पर आपको सहयोग करने के लिए है तो वह आज आपके लिए हानि दे सकता है आर्थिक रूप से। आज जमीन के विवाद में परेशानी बढ़ेगी। अगर बहुत दिनों से किसी प्रॉपर्टी, जमीन इत्यादि से संबंधित कोई दिक्कत चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो आज समस्या बढ़ सकती है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज नारियल की खीर से आपको भोग लगाना है। माँ को अति प्रिय है, आपके जीवन में शुभता मिलेगी आपके लिए। अब आगे बढ़कर बात करते हैं मकर राशि के कर्मफल की। मकर राशि के लिए आज रुका हुआ काम पूरा होगा। बहुत दिनों से अगर कोई कार्य स्थगित था, ठंडे बस्ते में डाल दिया था आपने, चाहे किसी भी कारण से वह स्थगित हो गया था, तो आज उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। मित्र के सहयोग से आज आपको लाभ मिलने वाला है। कोई मित्र आपका सहयोग करेगा व्यापार में, नौकरी में, कार्य क्षेत्र में, और उसके द्वारा आप लाभान्वित होंगे। आज नौकरी में पदोन्नति होगी। बहुत दिनों से अगर आप पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहे थे, रुकावटें आ रही थी या कुछ न कुछ अवरोध आ रहा था, तो आज आपके लिए दिन शुभ है। शुभ समाचार आज मिलेगा। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज गुड़हल के पुष्प की माला माँ को अर्पित करना है और प्रयास करें पुष्प से माला स्वयं बना लें तो वह और ज्यादा चमत्कारी प्रभाव देगा। बात करते हैं कुंभ राशि के कर्मफल की। आज नए मकान का योग बन रहा है। अगर बहुत दिनों से आप नए मकान के लिए प्रयासरत थे और विफलता मिल रही थी, कुछ न कुछ आर्थिक रुकावट आ रही थी या किसी भी तरीके की समस्या की वजह से आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो आज वह दिन आ चुका है। मित्रों को दिया हुआ पैसा आपका आज डूब जाएगा। अगर किसी मित्र को सहायता के रूप में आपने दिया हुआ था, आर्थिक रूप से सहायता की हुई थी और उसने आपसे पूर्ण रूप से वादा किया था कि वह समय से लौटा देगा, तो आज अगर अपने समय पर आप मांगेंगे तो वहां पर निराशा मिलेगी आपको। आज हड्डी से जुड़े हुए दर्द से आप पूरे दिन परेशान रहने वाले हैं। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज मेवे के हलवे का भोग आपको लगाना है। अब मेवे से आप सिर्फ अभिप्राय इस बात से मत लगाइए कि आपको काजू और बादाम और पिस्ता ही भोग लगा सकते हैं आप। नहीं, आप नारियल से भी भोग लगा सकते हैं, नारियल का हलवा बना सकते हैं। आप विशेष रूप से किशमिश का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके लिए मखाना अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप उसका भी हलवा बनाकर भोग माँ को लगा सकते हैं। माँ को समर्पण भाव चाहिए। जरूरी नहीं है कि महंगी से महंगी चीजों का आप प्रयोग करिए। जो उपलब्धता आपके घर में है उसका आप उपयोग करके और माँ को भोग अर्पित करें। अब बात करते हैं मीन राशि के लिए आज का कर्मफल। आज व्यापार में रुकावट आएगी। अगर व्यापार में हैं, व्यापारिक जीवन में आप हैं और कुछ बड़ा कार्य आप विचार कर रहे हैं, तो आपके कार्य के बीच कुछ न कुछ अवरोध बनकर आएगा और आपको उसके लिए पहले से ही तैयार रहना है। वैवाहिक जीवन में आज कष्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के संबंधों में, या कहिए कि वैवाहिक संबंधों, जरूरी नहीं है कि आप दोनों में ही कुछ
वाद विवाद हो, वैवाहिक संबंध में किसी अन्य के द्वारा भी कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आज कोई पुराना मित्र आपके जीवन में वापसी करेगा। अगर बहुत दिनों से किसी पुराने मित्र को आप याद कर रहे थे और उसके सहयोग की और उसके स्नेह की इच्छा आपको थी आपके जीवन में, तो आज वह शुभ दिन आ गया है। मित्र की वापसी आज होती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना है आज आपके लिए समाधान? नीम के जड़ में, नीम के पेड़ के जड़ में आपको हल्दी मिश्रित जल डालना है। यह आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारी लाभ साबित होगा। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं जन्मदिन विशेष की। आज जिन लोगों का जन्मदिन है, सर्वप्रथम हमारे तरफ से अनंत शुभकामनाएं आपको। शुभ जन्मदिन है आज आपका, तो माँ ब्रह्मचारिणी आपको देंगी शुभाशीष। क्या करना है आज जन्मदिन के मौके पर कि जिससे पाए माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष कृपा? सिंदूर से सफेद कागज पर आपको ओम ह्रीं लिखना है। ह्रीं माँ शक्ति का बीज मंत्र है। यह लिख करके आपको अपने ऊपरी पॉकेट पर, जेब में, कहीं पर भी रख लेना है। यह आपके आने वाले वर्ष को भी मंगलमय करेगा आज के दिन के साथ साथ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बहुप्रतीक्षित किचन कवच की। अगर नहीं मिल रही है मानसिक शांति और अक्सर आप मानसिक रूप से भटकाव में रहती हैं, विशेष रूप से गृहिणियों के लिए यह है, तो माँ ब्रह्मचारिणी से मिलेगा आज आपको अपना कवच। क्या करना है आज आपको? पहली रोटी जो आप बनाएंगी, जो आज के दिन की पहली रोटी आप बनाएंगी, उसमें मिश्री या विशेष रूप से चीनी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं और बनाकर आपको गौ माता को आज खिलाना है। यह आपके जीवन में शुभता देगा और माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष कृपा भी आप पर बरसेगी। अब बात करते हैं आज के ब्रह्म सूत्र की। अगर आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, नहीं मिल रही है लंबे समय से सफलता, बहुत छोटे अंतराल से आप पीछे छूट जाते हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी आज आपके लिए देंगी विजयश्री का वरदान। करना क्या है आज आपको? आज गाय के दूध में बिना मीठा डाले, कोई मिष्ठान मत डालिएगा, और खीर बनाइएगा। जो प्राकृतिक मिठास है दूध की, उसी से खीर के अंदर मिठास आनी चाहिए। और आपको इस मंत्र के साथ माँ को इसी खीर से भोग लगाना है। क्या है मंत्र? ह्रीं श्री अंबिकायै नमः। इस मंत्र का 11 बार पाठ करते हुए हर बार आप अर्पण भाव से, निवेदन भाव से, इस तरीके से आप प्रसाद उनको अर्पित करेंगे और आज आपके लिए माँ ब्रह्मचारिणी आपके विजयश्री के साथ साथ जीवन में आ रही हर तरीके की बाधा दूर करेंगी इस ब्रह्म सूत्र के अक्षय वरदान के साथ। और जानेंगे कैसे करें माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न। तृतीय रूप है, जीवन में हर प्रकार की भय बाधा से मुक्ति देने वाली है माँ चंद्रघंटा, तो देखना ना भूलिए। शुभ मंगल समाधान, भारत 24 पर। जय माँ ब्रह्मचारिणी।